तो गाइज आप यहाँ पे व्यू देखिए 411 मिलियन, 38 मिलियन, 27 मिलियन, इस वीडियो पे 272 मिलियन। तो गाइज देखिए, तो इस तरह का वीडियो अपलोड करके आप मिलियंस में व्यूज ला सकते हो। तो गाइज हम इस वीडियो में अर्निंग प्रूफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर इतने व्यूज आए ना अपने वीडियो में तो यूट्यूब लाखों में पैसा देता है, लाखों में आपका कमाई होगा। ये जो बंदा है ना हर एक वीडियो से लाखों रुपये कमाया है, ठीक है, आप भी इसी तरह से कमाओगे। नया स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज के वीडियो में। तो भाई तुम भी फॉलो करो ना, एक यूट्यूब चैनल खोल लो और अपना भी अर्निंग स्टार्ट कर लो, यूट्यूब से लाखों रुपए कमाओगे महीने का, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर कर देना। तो गाइस यूट्यूब को ओपन करोगे, चैनल को सर्च करोगे, देखो तो मेक जॉब ऑफ, ठीक है, इस चैनल में आपको इस रिलेटिव वीडियो मिलता रहेगा। सिंपल सा आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा, री अपलोड करना होगा। लेकिन मेरे भाई रुको, री अपलोड करने का भी एक तरीका होता है, कैसे इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस एक चैनल को सर्च कर लोगे CS20Wine, ठीक है, आपके सामने आ जाएगा। एंड यहाँ पे उसके सामने क्या करना होगा आपको, देखो तो इस चैनल पे भी आपको उसी रिलेटिव वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिल्टर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिएटर्स कमेंट्स पे आओगे, तो आपके सामने देखो तो ढेर सारा वीडियो आ गया। तो मेरे भाई इन सब वीडियो को आप डाउनलोड करके सीधा रीअपलोड कर सकते हो। तो गाइज आप फोन से भी कर सकते हो, मेक जोक ऑफ सर्च करोगे एंड 3 लाइन पे क्लिक करोगे, क्रिएटिव कमेंट को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करोगे तो आपके सामने वीडियोस आ जाता है एंड इस वीडियो को आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एडिट करना पड़ता है, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपल सब मैं एक वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड डाउनलोड करने के बाद सीधा आपको क्या करना होगा, अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूँगा एंड फ्रेम रेट आपको 16.9 का ले लेना होगा। सिंपल सा लेने के बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे जिस वीडियो को आपने डाउनलोड किया है। तो गाइस वीडियो का थोड़ा सा आगे और पीछे से 1-2 सेकेंड का लेंथ आपको कट कर देना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे कट कर दिया हो ताकि वीडियो एक जैसा ना रहे जहाँ से हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो गाइज उसके बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करके इसका जो वॉल्यूम है उसको डाउन कर दोगे, म्यूट कर दोगे। म्यूट करने के बाद आपको अपने वॉइस में इस वीडियो में डबिंग करना होगा। डबिंग करने के बाद आप इस वीडियो को अपलोड करके लाखों में व्यूज ला के लाखों में पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब खुद कहता है क्रिएटिव कॉमन के जितने भी वीडियो है वो आप भी यूज़ करो, अपने वॉइस में डबिंग करके आप भी अपने चैनल में अपलोड करो। यहाँ पे गाइडलाइन में अब भी आप देख सकते हो कि YouTube खुद कह रहा है कि आप क्रिएटिव कॉमन वाला वीडियो यूज करके अपलोड कर सकते हो अपने चैनल्स में, ठीक है। तो ये सब बंदे भी देख सकते हो यहाँ पे इसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी वीडियो है इसमें अपने वॉइस में डबिंग करने के बाद अपने चैनल पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख तो लाखों में व्यूज ला के लाखों में पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से फॉलो करोगे। यहाँ पे आपको डबिंग कैसे करना होगा वो भी मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा। तो गाइज अगर आप अपने वॉइस में वीडियो में डबिंग नहीं करते हो, सीधा अपलोड करते हो, तो इस वीडियो के जो ऑनर है वो आपको सीधा कॉपीराइट दे देगा। और यूट्यूब भी चाहता है कि आप क्रिएटिव कॉमन के वीडियो को यूज़ करके उसमें अपने क्रिएटिविटी को एडिट करने के बाद अपने चैनल में अपलोड करोगे तो आपका चैनल भी यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा और आप भी यूट्यूब से पैसा कमाओगे। मोनेटाइज होने के बाद आप चैनल से लाखों रुपये कमाओगे। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा, जब भी आप किसी चैनल से वीडियो अपलोड करो वो उसका मेन चैनल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो मेन चैनल है वो ये वाला है, मेक जोक ऑफ, ठीक है। इस चैनल से आप क्रिएटिव कॉमन वाला वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल में यूज़ कर सकते हो एंड इस चैनल का जब वीडियो आप डाउनलोड करोगे तो उस चैनल का आप लोगो एंड नाम जरूर देख लेना ताकि आपको लगे कि इस चैनल का वीडियो है, ये रियल चैनल है, ठीक है। और अदर चैनल में भी देख सकते हो, काफ़ी लोगों ने अदर चैनल में भी क्रिएटिव कॉमन वीडियो यूज़ करके री अपलोड करके पैसा कमा रहा है। तो गाइज एक वीडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड सीधा आपको डाउनलोड करने के बाद आपको एडिट करना होगा अपने काइन मास्टर में एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डबिंग कैसे करना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के वॉइस को आपको डबिंग करना होगा या फिर आप अदर फोन में भी इस वीडियो को प्ले करके आप देख के जिस कैरेक्टर ने कहाँ कहाँ बोला उस टाइम पे आप उसी वॉइस को डबिंग कर सकते हो। तो गाइज चलिए अब जान लेते हैं इस वीडियो पे हम डब कैसे करें। लेकिन डब करने से पहले आप इस वीडियो के एक बार रियल साउंड को सुन लीजिए। प्लेट भी फेंके जाके हाँ तुम भी पूछ जाना उसी में। वही कोई कह रहा था श्रीलंका भारत के नीचे है। हाँ तो अगर वो भारत के नीचे है तो यानी यहाँ से हम लोग सुरंग खोदे तो श्रीलंका में पहुंचेंगे। यहाँ सुरंग
तो गाइस किसी भी वीडियो में डब करने से पहले उस वीडियो को बार बार आपको देखना होगा, समझना होगा, पॉइंट टू पॉइंट कैरेक्टर के हिसाब से आपको डब करना होगा, या फिर आप चाहो तो एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा है 15 सेकंड के वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा है। आप चाहो तो जितने भी लंबा वीडियो है उतना बड़ा स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। फर्स्ट वाले स्क्रिप्ट में देख सकते हो मैंने लिखा है तुम्हारे बाप का नौकर है क्या। तो गाइस इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट को लिखना होगा जिसको आप देख के कैरेक्टर के पॉइंट टू पॉइंट डबिंग कर पाओ। तो चलिए यहाँ पे डबिंग कैसे करना होगा वो मैं अपने वॉइस में आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा एंड फर्स्ट लाइन बोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे बोलना है आपको, तुम्हारे बाप का नौकर है। तो गाइस इस तरीके से आपको डबिंग करना होगा और जो खराब पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आगे से सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा डबिंग पीछे से कट कर लेते हैं और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ये पुलिस वाला है ना, इसने कहाँ से बोला है, तो लाइन को हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे आज देख सकते हो यहाँ से पुलिस वाले ने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, तो हमारे डबिंग को थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब सुनिए मैंने कैसे बोला है, तुम्हारे बाप का नौकर है। तो गाइस इस तरीके से आपको डबिंग करना होगा। तो यहाँ पे हमारा वॉइस को चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वॉइस को है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वॉइस चेंजर पे जाके एंड इसको मैं इस ऑप्शन पे टू हैंडसेट पे सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते हैं तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारे बाप का नौकर है। तो गाइज़ यहाँ पे देखो तो हमारा साउंड जो वॉइस है जो हमने डबिंग किया है वो चेंज हो गया एंड इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे साउंड पे जाते हैं, जो पिच है उसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, जिससे हमारा जो वॉइस है वो और भी चेंज हो जाएगा। तुम्हारे बाप का नौकर है। तो गाइज़ देख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा पिच को और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं तुम्हारे बाप का नौकर है। तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे वॉइस को डबिंग करना होगा और इसको चेंज करके आपको अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग वॉइस आप डब कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे दूसरे लाइन पे, दूसरे कैरेक्टर ने क्या बोला है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे। मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ से बोला है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्ले करेंगे, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, सरकारी नौकर हो ना। तो गाइस ऐसे करके आपको डब करना होगा, इसको भी हम खराब पार्ट को कट कर लेंगे, तो कट कर लेते हैं एंड उसके बाद प्ले करते हैं, यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से, सरकारी नौकर हो ना। तो इस तरीके से आपको प्ले करना होगा एंड इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वॉइस चेंजर पे जाके चिप मंक को सिलेक्ट करते हैं, सरकारी नौकर हो ना। तो गाइस देख सकते हो वॉइस हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको हर एक कैरेक्टर में वॉइस ओवर करना होगा, डबिंग करना होगा। तो हम इस वीडियो में पूरा डबिंग करके मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे डबिंग कर लिया एंड इसको एक बार मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। तुम्हारे बाप का नौकर है, सरकारी नौकर हो ना। लाइकन सब कह रहे थे पुलिस वाले हरामी होते हैं। हाँ तो तुम्हारी इस बदतमीजी से पुलिस वाले हमारी सजा बढ़ा दे, जमानत ना दे तो। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में फ़नी साउंड कहाँ से आया, ठीक है। तो गाइज हमारा जो रियल वीडियो था उसमें जो फ़नी साउंड था उसी को मैंने यूज़ कर लिया। कैसे कर लिया, यहाँ पे रियल वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा एंड उसके बाद आपको आना होगा वॉइस एनवलप पे एंड यहाँ पे देख सकते हो जहाँ से हमने डबिंग किया वहाँ से मैंने साउंड को डाउन कर दिया और जहाँ से हमारा रियल जो फ़नी साउंड है उसको मैंने यहाँ पे अप रखा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अप रखा फ़नी साउंड को और यहाँ पे जहाँ से हमने वॉइस डबिंग किया है वहाँ पे मैंने साउंड को यहाँ पे डाउन कर दिया, देख सकते हो 0%, ठीक है। तो इसी तरह से आपको रियल वीडियो का जो फ़नी साउंड है उसको यूज़ करके आपके हर वीडियो में डबिंग करना होगा और आपका वीडियो यहाँ पे अच्छे बन जाता है, अच्छी क्वालिटी का बन जाता है, जिसके कारण आपका वीडियो यहाँ पे रैंक करेगा और लोग देखना पसंद करेगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको पूरे वीडियो में डबिंग करना होगा एंड उसके बाद वीडियो को सेव पे क्लिक करोगे, सेव अस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा आना होगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आने के बाद आपको सीधा वीडियो को अपलोड कर दोगे, यहाँ पे एक टाइटल लिखोगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे यस
बस मेड फॉर किड्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद अपलोड करने के बाद आपके वीडियोस में भी लाखों में व्यूज़ आएगा एंड आप भी अपने वीडियोस से पैसे कमाएंगे, आपका चैनल इससे मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप इससे अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो गाइज व्यूज़ की टेंशन मत लो, ऐसे वीडियो पे लाखों में भर भर के व्यूज़ आता है। तो गाइज आप भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करिए, एक महीना काम करिए एंड उसके बाद रिजल्ट देखिएगा। आप एक महीने के अंदर अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, आपके वीडियो पे भी लाखों में व्यूज़ आएंगे और आपके चैनल के थ्रू आप भी लाखों में पैसा कमाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी वीडियो ला दूंगा नए नए स्ट्रेटेजी के साथ, नए नए टॉपिक पर। तो मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो पर।